हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाणी बाधित बालक या वाक दोष बालक किसे कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो जो होगा ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन से बच्चे हकलाते हैं और हकलाना एक बीमारी है या नहीं है। मतलब आपके अंदर बहुत ढेर सारी गलत फहमी होती है कि हम हकलाते हैं या हम नहीं हकलाते हैं। जैसे मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा गलत फहमी थी कि मेरी आवाज़ जो है फंसती है, मैं हकलाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपके अंदर पहली बात समझ तो बढ़ेगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, लेकिन आपके अंदर जो डर बसी होगी कि हमारे अंदर मतलब आवाज़ में प्रॉब्लम है, हमको बोलने में डर लगता है या हकलाते हैं, किस बात की समस्या है, तो यहाँ से आप क्लियर कर ले जाएंगे कि आपको किस प्रकार की समस्या बोलने में है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है टॉपिक। देखिए, टॉपिक है हमारा वाणी बाधित बालक, ठीक। अब देखिए, वाणी बाधित बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, या तो ऐसे बालक जिनके द्वारा बोली गई बात को श्रोता लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब देखते हैं कुछ बालक किस भाषा में बोलते हैं, कि मतलब जैसे कुछ बालक होते हैं ना जो मतलब स्टैमरिंग करते हैं, जैसे हकलाते हैं, तो उनकी भाषा को जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो किसी बात को बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये दोनों टाइप के बालक हमारे कौन से बालक कहलाते हैं? वाणी बाधित बालक कहलाते हैं या वाणी विकार बालक कहलाते हैं। उम्मीद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो बालक ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और ऐसे बालक जिनकी आवाज़ या जिनकी बोली गई बात को श्रोता लोग ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, तो ये बालक हमारे कौन से? वाणी बाधित बालक कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, एक टॉपिक दोस्तों हम इसमें छोड़ दिए हैं कि वाणी बाधित बालकों का की पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप उनसे बोलकर करवाएंगे, जैसे आप उनका क्या निरीक्षण करेंगे, मतलब उनसे आप कुछ शब्द बोलने के लिए कहेंगे तो वहाँ से आप पकड़ लेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, मतलब जैसे न कि मेडिकल ट्रीटमेंट से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो कई विधियां होती हैं इनको पकड़ने की, ठीक है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहचान करने के लिए आपको आएगा, तो आप दोस्तों थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, PDF हम उसको आपको दे देंगे, ठीक है। तो उनकी पहचान कैसे करते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, हम देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है क्या, वाणी बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से कारण होते हैं या कौन कौन से हमारे कारण होते हैं जिससे बालक हमारे प्रभावित होते हैं। देखिए, पहला प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दोस्तों इसके बारे में हम एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों। दूसरा हमारा होता है हकलाना, पहला हमारा क्या हो गया, प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, दूसरा हमारा हो जाएगा हकलाना, तीसरा हमारा होता है आवाज़ की समस्या, और चौथा हमारा होता है अंगी वाणी के दोष, और पांचवा हमारा होता है कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, और छठा हमारा होता है देर से बोलने का विकास। तो ये छह प्रकार के बालक होते हैं, कौन से? वाणी बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? छह प्रकार के। कौन कौन से? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष वाले बालक, हकलाने संबंधी वाले बालक, आवाज़ की समस्या संबंधी बालक, अंगीय वाणी दोष, ठीक, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने का विकास। तो ये हमारे कौन से होते हैं? वाणी बाधित बालक इतने टाइप के होते हैं। चलिए, तो एक एक हम करके देखते हैं। देखिए, प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा है पीछे उच्चारण, तो उच्चारण का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को बोलने या कोई भी शब्द होता, कोई भी वर्ड होता, कोई भी वाक्य होता, उसको जो बोलने में हमारा जो भी बोलने की प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं उच्चारण। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बच्चे को बोलने में समस्या आ रही, क्या प्रक्रियात्मक, क्रिया से नहीं बोल रहा है, मतलब एक काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा एक अक्षर तो बोलता है, दूसरा वाला भूल जाता है। जैसे बोल रहा है कौवा, कौवा बोल रहा है, कौ बोला आ भूल गया, कौवा में कौ बोला, दोस्तों यहाँ का पे औ की मात्रा रहेगा, एक मात्रा छूट गई है, कौवा में कौ बोला आ भूल गया, कौवा बोला था कौ आ भूल गया, ठीक, ऐसे हो सकता है। इसमें कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी थोड़ा सा मतलब बोलने की क्या होती है कि उनके आवाज में थोड़ा सा कौवा की जगह पर तौवा निकल जाता है, ठीक है, मतलब
कि एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि सही बोल नहीं पाते हैं। जैसे कौवा बोल रहे हैं कौवा कौवा, तो कौवा 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 नहीं दो बार कह पाएंगे, वो कभी कह देंगे कौवा तवा, ठीक है, या कौवा को तवा बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत ध्वनि भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के बालक क्या होते हैं, बोलते बोलते मतलब वो बोल रहे होंगे कोई शब्द लास्ट में भूल जाएंगे, ठीक, और या तो कोई शब्द बोल रहे होंगे उसका उच्चारण ही गलत कर देंगे, ये हमारे प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष के बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो प्रकार से होता है, पहला होता है त्रुटिपूर्ण अधिगम और दूसरा हमारा होता है अंगी दोष। त्रुटिपूर्ण अधिगम का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, देखिए अब देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण अधिगम का मतलब होता है जैसे बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को लाड़ प्यार से बोल बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार से दोस्तों उसको रोटी के जगह पर लोटी कहा जाता है कि बेटा लोटी लेकर आओ। अब लोटी कहा गया जो कि एक्चुअल क्या होता है, रोटी होता है, तो बच्चा धीरे धीरे रोटी को लोटी बोलने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है त्रुटिपूर्ण अधिगम। ठीक है, जैसे कि अभी देखो अगर बिहार साइड के जो बच्चे होंगे वो लोग सड़क को सड़क बोलते हैं, अड़ा को रा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब अधिगम का उच्चारण अलग टाइप से कर दिया जाता है, तो वो अगर एक बार हैबिट बन जाती है तो जल्दी सुधरती नहीं, इसको कहते हैं त्रुटिपूर्ण अधिगम। समझ आए आपको। अब देखिए आगे अंगीय दोष में दोस्तों क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि उनके मुख का जो बनावट होगा कुछ ऐसे इस प्रकार से हो गया होगा कि वो कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते होंगे। और दूसरा देखिए कि सुनने की दोषपूर्ण अवस्था के कारण कुछ कारण ऐसे होते हैं कि मतलब ठीक से वो सुन नहीं पाएंगे, जब ठीक से सुन नहीं पाएंगे तो ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंगी दोष हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सा प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष कितने प्रकार का होता है, इसमें दो प्रकार के, पहला एक त्रुटिपूर्ण अधिगम, दूसरा हमारा होता है अंगीय दोष। ठीक है, त्रुटिपूर्ण और अंगीय दोष आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि इस प्रकार की समस्या से 70-80% बालक ग्रसित हैं, फिर भी यह एक गंभीर समस्या नहीं है दोस्तों। ऐसे बालकों में सा प त ड ता अड़ा की समस्या होती है, लेकिन इसको क्या इसको सुधारा जा सकता है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कि प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष को हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे, धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करवा करके बच्चों में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हकलाना स्टेमरिंग। ठीक है, ये दोस्तों मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर कुछ समस्याएं थी, ऐसा घर वाले बताते हैं कि थी, और बाद में हमको एक डर टाइप का था कि हाँ मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोलने में थोड़ा समस्या होती है। लेकिन जानते हैं कुछ ऐसे ही होता है ना कि हेजिटेशन की वजह से भी आप हकलाने लगते हैं। तो हकलाना क्या होता है कि एक वाणी दोष तो है दोस्तों, ठीक है, लेकिन वाणी दोष है इसमें से बहुत से आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप नॉर्मल से ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है प्रेशर की वजह से आपकी आवाज़ फंसने लगती है, तो हकलाना वहाँ पर एक बीमारी नहीं मानी जाती है। ठीक है, और हकलाना ऐसे होता है मतलब जो लोग मतलब नॉर्मली मतलब कोई भी बात नॉर्मली कहते हुए भी फंसते हैं उनको ही हकलाना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है हकलाना स्टेमरिंग जिसको कहते हैं, यह एक वाणी दोष है। ठीक, 100-1000 में से दोस्तों सिर्फ 8 या 10 बालक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक, सिर्फ 8 या 10 बालक, अब समझ लीजिए। लेकिन क्या अगर देखा जाए कि सॉरी दोस्तों 1000 में से 8 या 10 बालक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे शब्दों को बार बार दोहराते हैं, जैसे क क क क क करेंगे। ठीक है, या कभी कभी बोलते वक्त क्या होता है रुक जाते हैं। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत से लोगों के साथ होता है कि कोई शब्द आप लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके क्लास में या वाइवा चल रहा है या इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो उसमें प्रेशर होता है, एक प्रेशर से आप जो है ऐसे करते हुए आप रुक जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कभी कभी बोलने में उलझन महसूस करते हैं, आँखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला कर बोलना। अब देखिए आगे, इस समस्या का कारण और कारण गति अयोग्यता है। अनुसंधान से पता चला है कि बच्चा 3 साल से ही हकलाना शुरू कर देता है। अब ध्यान से देखिए हकलाने में क्या होता है, देखिए हकलाना एक बीमारी अगर देखा जाए तो नहीं है। ठीक है, हकलाना क्या है, एक बीमारी नहीं है। अब हकलाना एक बीमारी नहीं है, अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है दोस्तों,
मतलब ये 1000 में से सिर्फ 8 और 10 लोगों के पास होगा, अगर जो बीमारी होगी जो जिसको बीमारी कह रहे हैं वो 8-10 लोग, लेकिन हकलाने की समस्या देखा जाए तो बहुत ढेर सारे लोगों में होती है। क्यों होती है? वो प्रेशर की वजह से, जो जैसे आप लोग जब अगर किसी क्लास में किसी इंटरव्यू में जाएंगे और वहाँ पर हकलाने लगेंगे या डर के मतलब डर किसी डर से आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, मतलब उलझन लगेगा, ये सभी लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग ये मत डरिएगा कि हम हकलाते हैं, ठीक है, तो ये सभी हमारा हकलाने का रीजन होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बात में नहीं, नॉर्मल बात भी नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं दोस्तों हकलाना, ठीक है। तो सभी लोग नहीं होते दोस्तों, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हकलाने के कारण कितने होते हैं, 2 कारण होते हैं, जानते हैं, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। अब देखिए वंशानुक्रम क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम मतलब हो जाएगा कि बच्चे के माता पिता, माता या पिता में से कोई एक अगर जिसकी आवाज़ फंस रही थी या हकला के बोल रहा था तो क्या होता है, हो जाएगा बच्चा भी उनका हो सकता है उसी का लक्षण आ जाए और वो हकला कर बोलने लगे, ठीक है। दूसरा वातावरण, वातावरण मतलब आपको जो वातावरण मिलता है कि आप किसी प्रेशर में, प्रेशर मतलब डर के मारे, डर की वजह से आप इस प्रकार का उच्चारण करने लगे, मतलब आपकी आवाज़ फंसने लगे, ये हकलाने के 2 ही कारण होते हैं, एक वंशानुक्रम एक वातावरण, ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं, हमारा तीसरा वाला था क्या, आवाज़ की समस्या, हम लोग पढ़े थे ना हमारा वाणी दोष के कितने 6 प्रकार के होते हैं, तो उसमें तीसरा हमारा है आवाज़ की समस्या, वॉइस प्रॉब्लम। अब देखिए दोस्तों वॉइस प्रॉब्लम में क्या होती है कि बालक को यह समझ नहीं आता है कि किस परिस्थिति में ऊंचा बोलना है और किस में नीचा बोलना है। ऐसा रहता है ना कि एक स्टोरी पढ़ते हुए बालक चला जाता है, मतलब अपनी बात को कहेगा कहीं, मतलब कहाँ पर उठा कर बोलना है, कहाँ पर नीचे करके बोलना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कर करके सुधार सकते हैं। शुरुआत में जब मैं मतलब हमको भी बोलने, मतलब बोलने का समस्या, हमको डर था बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खुद ही नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, अभी बोलना मैं सीख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखना है। तो देखिए पहली बात तो आवाज़ की समस्या में क्या होगा, बालक को यही नहीं समझ आएगा कहाँ पर ऊंचा बोलना है, कहाँ पर आवाज़ को बढ़ा कर बोलना और कहाँ पर डाउन कर देना, ठीक है, तो ये नहीं समझ में आता है, तो यही हमारा होती आवाज़ का समस्या। अब देखिए यही होगा और ये ज़्यादातर किस में होगा, शर्मीले बच्चों में, शर्मीले बच्चों में, ठीक है। वैसे हम शर्मीले टाइप के तो नहीं है लेकिन पता नहीं होता था, ठीक है। आगे देखिए इसमें कुछ गुण संबंधित दोष भी होते हैं, जैसे अगर ऐसा बच्चा होगा जिसको मतलब बोलने में, मतलब जो आवाज़ को ना उतार कर उतार चढ़ाव उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आवाज़ में उसके भारीपन आएगा, बोले ए, मतलब कोई भी एक सेंटेंस कहना होगा तो एकदम ऐसे कहेगा कि उसमें भारीपन होगा, या जोर जोर से सांस लेकर बोलेगा, ठीक है, या नाक से बोलेगा, या अटक अटक कर बोलेगा, ये बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं। तो ये हमारा कोई बीमारी नहीं दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिस के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, क्या आवाज़ की समस्या को, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। आवाज़ की समस्या में कहाँ ऊँचा बोलना है और कहाँ नीचा बोलना है, मतलब कहाँ ऊँचा कहाँ एकदम नीचा, मतलब बैलेंस बना करके हम बात को कैसे रखें कि लोगों को समझ में आ जाए और बात हमारी इंटरेस्टिंग बने, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए अंगीय बोलने के दोष, अंगीय बोलने के दोष वही हो गया कि अगर किसी बच्चे के, कोई बच्चा मुख से बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मुख से बोल रहा है लेकिन उसके अंदर मतलब कुछ समस्या होती है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं मुख से बोलते हैं तो उनकी आवाज़ नाक से भी आती है, ठीक है, और मुख और नाक से दोनों आवाज़ आने लगती है, ठीक, तो उनका भाई उनका बोलते हैं मतलब कोई मतलब उनका मतलब अलग टाइप का उनका जो उच्चारण जाता है वो अलग टाइप का जाता है। तो ऐसे बच्चे हमारे क्या होते हैं, अंगीय दोष, अंगीय बोलने के दोष वाले बालक कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, नाक से बोलते हैं, इनका कोई भी सेंटेंस रहेगा का 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 बोलेंगे, का नहीं बोलेंगे, का ठीक है, हम उसमें ना लगा देंगे, नाक से बोलने लगते हैं। तो यही बालक हमारे क्या कहलाते हैं, अंगीय संबंधी बालक कहलाते हैं। इसमें देखिए क प ब ट ज ये सब ऐसे बोल देंगे, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे बच्चे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती है तो इनके अंदर क्या होता है कि जो उनका तलवा होता है या तो कठोर हो जाएगा या तो मुलायम हो जाएगा, जब कठोर या तो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा या तो मुलायम हो जाएगा, तो इसको ऑपरेशन विधि द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ज़्यादातर जो है ठीक हो जाते हैं, बोलने के दोष वाले बच्चे। आगे देखिए हमारे दोस्तों ये तो नंबर पड़ा 4th लेकिन है तो 5th, क्या है, कम सुनने वाले बालक के साथ बोलने की समस्या। अच्छे बताइए कि आप कोई आवाज़ होगा उसको सही से सुन नहीं पाएंगे तो क्या आप अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, मतलब उसके बारे में बता पाएंगे,
ठीक है। तो ऐसे बालक होते हैं कि जो किसी बात को सुन नहीं पाते हैं, मतलब अगर उसको मतलब पूरा 100% सुन नहीं पाएंगे तो उसके बारे में ठीक से बता नहीं पाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन में क्या होता है, जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उनके कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बच्चे होते हैं बचपन में, वो जैसे जुकाम हो जाएगा तो उनका कान, देखते हैं आप लोग बड़े होते हैं जुकाम होता है ना, कान एकदम बंद टाइप का हो जाता है, ऐसे बच्चों का हो जाता था। तो उनका जो है कान, मतलब उनका कान टाइप का कुछ सुनने में धीमा हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनका जो सुनने का स्पीड हो जाएगा धुना, मतलब धीमा पड़ जाता है। तो अब अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा तो ठीक से बोल नहीं पाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाता है, आप लोग देखे होंगे कि एक लोग मशीन खरीद लेते हैं कान में सुनने वाला, वो लगाकर घूमते रहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि वो मशीन का प्रयोग से अपना सुन लेते हैं, और अगर सुन लेंगे सही से तो बोलेंगे भी सही से, तो ये हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है। आगे देखिए, आगे हमारा है मंदित वाणी का विकास। अब मंदित वाणी का विकास, मंदित में धीमा, वाणी में इस भाषा का विकास में विकास, तो बच्चा वो बोलना ही धीरे धीरे सीखेगा। जैसे एक नॉर्मल बच्चा 3 साल में सीख रहा है तो 5 साल में सीखेगा, मतलब उसका स्पीड थोड़ा धीमा रहेगा बोलने, मतलब उसका डेवलपमेंट जो हो जाए, भाषा विकास की स्पीड जो है उसकी क्या रहेगी, धीमी रहेगी। तो अब बताइए भाषा विकास की स्पीड किसमें धीमी होगी, जिसमें बोलने की क्षमता कम होगा, मतलब जो धीरे धीरे सुनेगा उसका भाषा का विकास भी धीरे होगा। तो क्या होगा, जिसमें सुनने की क्षमता का विकास देरी से होता है, ठीक है, तो उसमें जो है भाषा विकास भी देरी से होगा। भैया देरी से सुनेगा तो देरी से बोलेगा। मान लीजिए बच्चे नॉर्मल 3 साल में बोल रहे हैं, लेकिन वो कितने साल बोलेगा, 5 साल में बोलेगा। अब देखिए 100 बालकों में से 5 बालक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, ठीक है। यह बालक निम्न क्षेत्रों में बाधित रहते हैं, किस किस क्षेत्रों में हम लोग देख लेते हैं। पहला, शब्द बेचारे सुन नहीं पाते हैं, शब्द सुनने में इनकी समस्या होती है। उत्तर देने में देरी करते हैं, शब्दों की संख्या ठीक नहीं बताते हैं, बोलने का अभ्यास करने में, आगे देखिए कठोर व्यवहार का सामना करने में, और संकोची रहने में। क्या होगा दोस्तों, संकोची रहने में ज़्यादातर समस्या करते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि बालक जो है इस प्रकार के बालक मंदित बालक कहलाते हैं। मंदित बालक मतलब ये समझ लीजिए कि जिनका भाषा विकास जो है उनके नॉर्मल एज से ना होकर के थोड़ा सा बाद में हो, जैसे मान लो 3 साल में बच्चा सीखता है लेकिन बच्चा 5 साल में सीख रहा है, उसी को हम मंदित बालक कहते हैं। बच्चा लेट में क्यों सीखेगा, जब देर में सुनेगा तो देर में सीखेगा, देर में उसका जवाब देगा, मतलब उनका जो प्रोसेस वाला काम होता है ना धीरे धीरे चलता है। तो ये हमारे बालक हो जाते हैं दोस्तों वाणी दोष बालक, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादातर लोग समस्या क्या रहती है दोस्तों, हकलाने की समस्या काफ़ी लोगों में होती है, ठीक है, जो कि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको आप लोग दोस्तों, अगर आपके अंदर ऐसी समस्या है हकलाने की, आवाज़ फंसने की, अब डरते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैमरा के सामने करिए, कहीं से भी बोलने का प्रैक्टिस करिए, तो आप उसको धीरे धीरे सुधार सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर और कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको आवाज़ संबंधी कोई समस्या है तो उसको धीरे धीरे आप किसी न किसी माध्यम से उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ बातें हमने बताई हैं उसको आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।